वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं भारतात्मजं बालर्योतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं करिकलित कपालं कुंडलीदंडपाणि क्रतु समय सपरिया हेतु जयति वटुकनाथ सिद्धि नमोस्तुते व्याशिविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् गंगा सिंध सरस्वतीश्च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेन्द्र तनजा कर्णावती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहित कुर्वन्तु नो यत्रैव गंगा यमुना च गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र यत्रातमहं वन्दे परमानन्दं बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की बोली राधा कृष्ण भगवान की बोली गौरी शंकर भगवान की बोली श्री हनुमान जी महाराज की बोली इष्ट देव भगवान की बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी विद्वजन करुणा वर्णालय पूर्ण ब्रह्म वाग्मयी स्वरूप श्रीमद भागवत श्री कृष्णचंद्र ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की यह दिव्य पावन पवित्र अमृतमयी कथा सभी विद्वजन सभी श्री राधा स्वरूप माता बहन कृष्ण स्वरूप सभी भक्तजन एवं उपस्थित सभी श्रोता बना भगवत कथा में प्रवेश करते हुए
एकाग्रता से एक निष्ठा होकर के शुद्ध भाव से भगवत कथा श्रवण करें, मना शुद्धि विद्यते, बिना मन की शुद्धि के भगवत कथा श्रवण नहीं कर सकते। मन की शुद्धि अवश्य होनी चाहिए। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तो कथा श्रवण करने में मन नहीं लगेगा, धर्म की ओर नहीं जाएंगे। मन को शुद्ध करने के लिए, मन की एकाग्रता करने के लिए प्रभु का भजन, प्रभु का कीर्तन, भगवत कथाएं श्रवण, ये करना आवश्यक है। सब कुछ मन के लिए बताया है। मन को वश में कर लो तो सारा संसार वश में हो जाएगा। मन को वश में कर लोगे तो सब इंद्रियां वश में हो जाएंगी। सारी इंद्रियां मन की वशी होते हैं। मन जिधर जाएगा उधर ही सारी इंद्रियां दौड़ती हैं। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए शास्त्रों में उपाय बताया है कि भगवत कथा, भगवत नाम कीर्तन करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे I'm not a
बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी शुद्ध भाव से भगवत कथा में प्रवेश करें। व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाया। प्रथम में उन्होंने श्री गणपति को स्मरण किया, श्री सरस्वती माँ को स्मरण किया, श्री गुरु के चरण कमलों में प्रणाम किया। यासी श्रीमद् भागवत के इस महात्म का वर्णन कथा से प्रारंभ कथा से पहले लिखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म स्कंद पुराण से व्यासी महाराज ने इस कथा का सार लिखा। वैसे भागवत का जो महात्म है, महात्मा का वर्णन दो पुराणों से मिलता है। तो प्रथम में श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक प्रथम वंदना के रूप में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक के द्वारा भगवान को प्रणाम किया। वयम नमः, हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। कैसे भगवान को प्रणाम किया? सत चित आनंद सह सच्चिदानंद, सत स्वरूप जो निवास करते हैं, चित स्वरूप जो निवास करते हैं और आनंद के रूप में जो निवास करते हैं वह सच्चिदानंद। सत स्वरूप में सारे संसार में रहता है, चित स्वरूप में मौन रूप में व्याप्त है और आनंद स्वरूप में अपने हृदय के अंदर व्याप्त है। भगवान का ये तीन रूपों में वर्णन किया जिनका नाम सच्चिदानंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिन्होंने विश्व की संसार की उत्पत्ति के लिए अवतार लिया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीन तापों का नाश करने वाले हैं। तीन प्रकार के ताप हैं, अधिदैविक अधिभौतिक। ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, तीनों तापों का नाश करने वाले सच्चिदानंद घन परमात्मा का उन्होंने वर्णन किया, उनका ध्यान किया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम सब उनको प्रणाम करते हैं, उनकी वंदन करते हैं। ये प्रथम श्लोक में व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ये महापुराण है श्रीमद् भागवत के रूप में, जिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन व्यास जी ने इस महा श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में वर्णन किया, जिन भगवान कृष्ण की भक्ति को धारण करने से जीव का उद्धार हो जाता है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति इन तीनों का
विस्तार से व्यास जी ने इस कथा में वर्णन किया है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति के कारण ही मनुष्य का जीव का उद्धार होता है। ज्ञान से वैराग्य, लेकिन दानों से श्रेष्ठ भगवान ने व्यास जी ने भक्ति को बताया। भक्ति के बिना जीव का उद्धार नहीं होगा। यम ब्रह्म पर्यंत मन पेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेत्य अंतरवो हिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुष्टु। जहाँ 88,000 ऋषि सौनक आदि ऋषि हैं, नैमि शास्त्र क्षेत्र में बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज उनको इस कथा को सुना रहे हैं, तो सूत जी ने सर्वप्रथम व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी के विषय में उन ऋषियों को बताया कि व्यास जी कैसे थे, परम ज्ञानी थे, 18 पुराणों की ज्ञाता हैं, इतिहास पुराणों की रचना करने वाले, यम प्रप्रजंत मनोपेय तुम अपेति कृत्यं जय पायलो विरह कातर आजुहाव। ऐसे द्वैपायन कि अपने एक पुत्र के जन्म होते ही पुत्र के पीछे पुत्र पुत्र पुकारते हुए दौड़े, हे पुत्र हे पुत्र तुम जन्म लेते ही मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। इतना ज्ञान था उनके अंदर, 18 पुराणों की रचयिता, इतिहासों के पुराणों के महाभारत इत्यादि जिन्होंने सबको बनाया, ऐसे परम ज्ञानी क्या ज्ञानी पुरुष भी और सांसारिक माया में लिप्त हो जाते हैं, जैसे साधारण व्यक्ति पुत्र के पीछे मोहित हो जाता है, परिवार के पीछे मोहित हो जाता है, इतने ज्ञानी थे व्यास जी महाराज फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े। पुत्र जन्म लेते ही अपने कंधे पर अपनी नाग को धारण करके वन में चले गए। व्यास जी ने उनका पीछा किया। पुत्री भी तन्मया जब आगे आगे उनके पुत्र जा रहे हैं, व्यास जी उनके पीछे पीछे हैं, तो उनके पुत्र शुकदेव जी ने वृक्षों में प्रवेश करके झुक झुक करके व्यास जी महाराज को संकेत दिया, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तोऽस्मि। जो सारे भूत भक्तों के हृदय की बात को जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान की बात को जानने वाले, ऐसे सिर्फ व्यास जी महाराज एक पुत्र का पीछा कर रहे हैं। ऐसे सरल स्वभाव परम ज्ञानी श्री व्यास जी महाराज को सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों ने प्रणाम किया। नवमिवाति महामति कथा मृत सस्वाद कुशल शौनका प्रवी। कथाओं में आनंद लेने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के सामने बैठे हैं और सूत जी से उन्होंने निवेदन किया था। सूत जी शौनकादि ऋषि निवेदन कर रहे हैं कि भगवान अज्ञान अध्वंत विध्वंस और सूर्य कोटि सम प्रभाव, आपके अंदर कितना ज्ञान है, करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाश करें, उनका तेज जितना निकले, ऐसे करोड़ों सूर्यों के समान आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, कोटि सूर्य सम प्रभाव, अज्ञान अध्वंत विध्वंस, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, इसी तरह से आपके अंदर जो ज्ञान है
वे उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है भजन। सोतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऋषि ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं इन कानों से जिस कथा को सुन करके हमारे हृदय का अंधकार नष्ट हो जाए, ज्ञान नष्ट हो जाए। कथा सारम मम कर्ण रसायन, जिसके सुनने से माया तो प्रभाव भगवान की सारे संसार में व्याप्त है, माया से देवता भी वंचित नहीं रहे, माया से नारद जैसे मोहित हो गए, तो माया से हम तुम हमारी तो बात ही क्या है। सांसारिक जीवों का तो माया से बचना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ऋषियों ने निवेदन किया कि माया मोह निराश शिष्य, माया और मोह से हम कैसे दूर हो, ऐसा कोई उपाय बताए। उन्होंने जब इतना उनसे निवेदन किया, एक और कलौ प्राप्त हो, ये कलयुग का समय है, इस कलयुग में घोर अन्याय घोर अधर्म छा चुका है, सर्वत्र अधर्म है। इस घोर कलयुग के अंदर जीवाश्चाम स्तुतां गतः, प्रत्येक जीव दुखी है, असुरता को प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक जीव असुरता को प्राप्त हो रहा है, धर्म को छोड़ रहा है, अधर्म की ओर बढ़ रहा है। क्लेश क्लांत शस्त्रश्चैव शोधनं किं परायणं। उस घोर कलयुग के कारण सारे जीव दुखी हैं, उनका दुख उनका क्लेश किस तरह से दूर हो, उनका कारण किस तरह से हो, ये आप हमें बताइए। शोधनं किं परायणं, उनका शोधन कैसे हो। इतना जब उन्होंने श्रेय साउन यद भविष्य पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनं तद बाधनम्, तो उन्होंने एक ही निवेदन किया है कि भगवान पावनों में पावन, पवित्रों में पवित्र, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, कृष्ण प्राप्ति कर्म, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें किस प्रकार से प्राप्त हो, भगवान कृष्ण हमें किस प्रकार से प्राप्त हो, शाश्वत साधनं तब बाधना, भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर जो उनके साधनों में जो बाधा आती है, उनकी प्राप्ति करने में जो बाधा आती है, वो बाधा हमारी कैसे दूर हो। अंत में कहा कि भगवान प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी से निवेदन किया कि भगवान आप हमें हमारे गुरु बन करके हमें ध्यान कराएंगे। प्रेक्षति गुरु प्रीतो, उन्होंने इस तरह से पूछा था, ऋषियों ने कैसे पूछा, जैसे शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं, और सूत शिष्य से कहा कि भगवान आप हमें गुरुवर शिष्य मान करके हमें शिक्षा दो, हमें ज्ञान करो। ऐसा कहा है कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। गुरु नारदकम सत्यम गुरु नारदकम तपः, गुरु परास्तर्प नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरु। वह गुरु है, गुरु से बढ़कर के ना तप है, गुरु से बढ़कर के ना जप है, ना कोई योग स्वाध्याय है। गुरु परास्तर्प नास्ति, गुरु सारे भव सागर से पार करने वाले हैं,
तस्मात् सम्पूज्यते गुरु, ऐसे गुरु सर्वत्र पूजनीय होते हैं। तो सूत जी ने, सारे ऋषियों ने सूत जी से यही निवेदन किया कि भगवान आप हमें प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु के बिना किसी जीव का उद्धार नहीं होता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। तो सूत जी से सभी ऋषि निवेदन कर रहे हैं कि भगवान गुरु के बिना किसी जीव का उद्धार नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना हो। ज्ञान में भाई ब्रह्मा जी तो सारी सृष्टि की रचयिता है ना, रचना करने वाले हैं, सृष्टि को बनाने वाले हैं। ब्रह्मा जी की उपमा दी है, जो विरक्त शंकर सम हुई, चाहे शंकर की समान क्यों ना हो, ब्रह्मा की समान क्यों ना हो, लेकिन जिसने गुरु नहीं बनाया, जिसने गुरु से दीक्षा ग्रहण नहीं की, संसार में उसका कहीं उद्धार नहीं हो सकता। शंकर का, शंकर भगवान की उपमा दी है, क्यों शिव के से ज्ञान के, शंकर तो ज्ञान के भंडारी है, ज्ञान के दाता है शिव। शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है ज्ञान, तो शिव की समान ही क्यों ना हो, ब्रह्मा की समान क्यों ना हो। अगर उसने गुरु नहीं बनाया तो उसका जीवन व्यर्थ रहता है। एक बार नारद जी वैकुंठ में, नारद जी हमेशा जाते हैं, नारद जी का जो काम ही है सब जगह भीड़ को बजाते बजाते नारायण नारायण करते करते सब जगह भ्रमण करते हैं, तो वैकुंठ में उनका रोजाना जाना। और वैकुंठ में गए और वहां जा जा करके खड़े हुए बैठे और दो मिनट वार्ता करके नारद जी वहां से जैसे पीठ मोड़ करके जाने लगे, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को इशारा किया, देवी जिस जगह पर नारद बैठा था ना उस जगह को पोंछा लगा दो, उस जगह पर पोंछा लगा दीजिए सूर्य जल से। तो नारद जी तो जा ही रहे थे पीठ मोड़ करके, बाहर नहीं निकले तब तक भगवान बोले पड़े लक्ष्मी जी को कहा, तो वो सुन लिया नारद जी। नारद जी ने विचार किया कि भगवान क्या बोल रहे हैं माता से, कि नारद जहाँ बैठा था उस जगह को पोंछा लगा दो है? तो नारद जी खड़े हो गए लौटे और भगवान से निवेदन किया, भगवान क्या हुआ आपने भी लक्ष्मी मैया से क्या बोला कि नारद जहाँ बैठा था उस जगह को शुद्ध कर दो पोंछा लगा दो। भगवान विष्णु हंस गए, नहीं नहीं नारद ऐसा कुछ नहीं भी, ऐसा मैं वैसे बोला था मैंने, नहीं नहीं बोले भगवान आपने ऐसे क्यों बोला, मैं जहाँ बैठा था उसको आपने जलाने के लिए कहा पोंछा लगाने के लिए। भगवान बोले कि नारद तो पूछना ही चाहता है, तो आज ही थोड़ी लगवाया मैंने, तो जब जब आता था ना यहाँ हमेशा ही लगवाता हूँ मैं,
तो जब आता तेरे जाने के बाद में मोछा लगवाता मैं भी उस जगह और एक राम 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 राम। तो भगवान की मेरा शरीर इतना अशुद्ध है। भगवान बोले हाँ तेरा शरीर इतना ही अशुद्ध है, तू जहाँ बैठता है खड़ा होता है ना बाकी भूमि पवित्र हो जाती है। अब तो कारण पूछा भगवान मुझे बताइए, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, अब तक मैं सब जगह घूमता हूँ भ्रमण किया मैंने और मेरा शरीर इतना निकृष्ट है अशुद्ध है, कारण क्या है? भगवान बोले कि नारद तूने अभी किसी से दीक्षा ग्रहण नहीं की, तूने किसी को गुरु नहीं बनाया, बनाया क्या? नारद जी बोले कि नहीं भगवान, तूने गुरु नहीं बनाया इसलिए तेरा शरीर अशुद्ध है, तू जहाँ बैठता है ना वो भूमि भी अशुद्ध हो जाती है। नारद जी तो खड़े हो गए, चुपचाप खड़े हो गए, शांत हो गए कि भगवान अब मैं क्या करूं, अब मेरे शरीर का उद्धार, ये शरीर शुद्ध कैसे हो? तो आप बोले किसी को गुरु बनाइए तब ये शरीर शुद्ध होगा। अब नारद जी बोले कि भगवान मेरे गुरु बनने के लायक कौन है? गुरु अपने से बड़ा होता है ना, अपने से पद में बड़ा होता है, उच्च वर्ण का होता है, उसी को गुरु बनाना चाहिए, अपने से निम्न वर्ण का गुरु नहीं बनता है। तो नारद जी विचार करते हैं कि मेरे से बड़ा कौन है, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ और मेरा गुरु कौन बनेगा? अब तो भगवान के चरणों में गिर गए कि भगवान मुझे बताइए मैं गुरु किसको बनाऊं। भगवान विष्णु ने विचार किया कि नारद जी का गुरु कौन बन सकता है, ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के लेवल का कौन है जो इनका गुरु बने? तो भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा कि नारद एक काम करना, कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें जो सर्वप्रथम जिसका दर्शन हो उसी को गुरु बना। भगवान विष्णु ने विचार किया कि इसका गुरु तो मैं ही बनूंगा, ये ब्रह्मा जी को मैंने जन्म दिया है मेरे नाभि से और इनका गुरु तो मैं ही बन सकता हूँ। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नारद जी जब भ्रमण करने लगे ऐसे ही सामने जाकर के भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रथम भेंट भगवान की हुई नारद जी की और उनके चरणों में गिरे, श्री हरि विष्णु से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, तब जाकर के नारद जी का शरीर शुद्ध हो गया। इसने कहा है कि बिना गुरु के चाहे ब्रह्मा के समान हो चाहे शिव के समान हो बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। अज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले गुरुदेव, ज्ञान रूपी शलाका से ज्ञान रूपी काजल लगा करके नेत्रों को शुद्ध करते हैं, हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार उसको ज्ञान के प्रकाश से नष्ट करते हैं, अंधकार से निकाल करके ज्ञान की ओर ले जाते हैं, प्रकाश की ओर ले जाते हैं, कुमार्ग से हटा करके सदमार्ग की ओर ले जाते हैं, वही गुरु होता है। जय जय जो सदमार्ग दिखाए, अच्छा मार्ग दिखाए, अच्छी राह दिखाए, जीवन जीने की आदर्श कला सिखाए, वो सच्चा गुरु होता है। सारी शंकाएं जो भ्रम होते हैं हृदय के अंदर सारे भ्रमों को दूर करे, सारी शंकाओं का समाधान करे, अच्छा मार्ग दिखाने वाला वही संसार के अंदर सच्चा गुरु होता है। और गुरु भी अपने से बड़े को बनाना चाहते हैं। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा सावन सृजन हार सूरत शिला पर बैठ के मैं अपार। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, गुरु को किसका स्थान दिया है? धोबी, गुरु तो धोबी के रूप में है भैया, शिष्य कपड़ा है,
मेला कुचेला कपड़ा धोबी के पास जाता है ना, तो धोबी साबुन लगा लगा करके घूट घूट करके उसको क्लीन कर देता है, शुद्ध कर देता, साफ बना देता है। गुरु तो धोबी है गंदा, जब शिष्य उसके पास आता है मलि विकारों से भरा हुआ, उनको ज्ञान रूपी डंडे से, ज्ञान रूपी शलाका से, कंजल से उसको कूट कूट करके साबुन लगा लगा करके उस शिष्य को पवित्र बना देता है, शुद्ध बना देता है। वह गुरु जैसे मंदिर दीपक भी Sadhore,
देखो गुरु के विषय में अभी सूत जी महाराज से सारे 88,000 ऋषियों ने गुरु के रूप में निवेदन किया कि भगवान आप हमें गुरुवत होकर के ऐसा ज्ञान कराओ। तो गुरु के विषय में आपने जान लिया कि गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। गुरु जीवन में मनुष्य का जन्म लिया है तो गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु भी 5 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही गुरु हो। गुरु 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले गुरु कौन है? जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने जन्म दिया वो माता पिता सबसे प्रथम गुरु हैं। जिन्होंने जन्म देकर के पृथ्वी पर हमें छोड़ा, हमें पढ़ाया लिखाया, शिक्षा ग्रहण कराई, पढ़ा किया, पाला पोसा, पाठशाला में भेजा, पैसा खर्च किया, खुद भूखे रहे और हमको पढ़ाया लिखाया, इतना कष्ट सहा। तो पहला तो माता पिता का कर्म है, सबसे प्रथम गुरु माता पिता है, जिनसे जन्म लेकर के संतान माता पिता क्या नहीं करते अपनी संतान के लिए। वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला भेजते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, बच्चों के लिए लगाते हैं उस पैसे को, खुद सुख नहीं भोगते, अपनी संतान के लिए सुख देने के लिए प्रयास करते हैं। मेरे माता पिता सच्चे गुरु हैं। जिन माता पिताओं को ऐसी संतान सुख नहीं देती, उनका अनुसरण नहीं करती, उनके पालन नहीं करती, उनका उनके आज्ञा का अनुसरण नहीं करते, उनको धिक्कारते हैं, तिरस्कारते हैं, ऐसी संतान जन्म लेना संसार के अंदर व्यर्थ है। सबसे पहला गुरु माता पिता है, उनकी सेवा करी, उनके आदेश का पालन करो, उनके चरणों की सेवा करो, उनके आत्मा को सुख पहुंचाओ। माता पिता के हृदय से कभी बालक जीवन भर मुक्त नहीं होगा। जीवन भर उनकी सेवा करेगा तो भी माता पिता के हृदय से बालक मुक्त नहीं हो सकता। माता पिता प्रथम गुरु है, यज्ञों को ही दिलाने वाला दूसरा गुरु है, पाठशाला में स्कूल में शिक्षक जो शिक्षा देते हैं पढ़ाते हैं वो तीसरे गुरु है, और जो कान के अंदर मंत्र देते हैं, आध्यात्मिक मंत्र को दे करके अपने हृदय को शुद्ध करते हैं वो आध्यात्मिक गुरु। गुरु के अनेक प्रकार हैं। गुरु की सेवा करना हमारा परम धर्म है, माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। धर्म और परम धर्म इन दोनों में भी बड़ा अंतर है। धर्म तो हो गया हमारा एक लोकाचार में व्यवहार में जो हमारा कार्य करना वह हमारा धर्म है, और जो कोई लक्ष्य लेकर के हम जिसको हम करते हैं वह हमारा परम धर्म है। जैसे कहीं भागवत कथा सुनने के लिए कोई भक्त आ रहा है, आया घर से निकला भागवत कथा सुनने के लिए, मन में विचार करके चला तो वह उसका लक्ष्य हो गया कि भागवत कथा सुनना, भागवत कथा सुनना उसका लक्ष्य बन गया। घर से चला है भागवत कथा सुनने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने को ये उसका परम धर्म हो गया। रस्ते में चल रहा है तो उसको कोई अपना मित्र मिल गया, कोई सगा संबंधी मिल गया और उससे बात करने में लग गया,
किसी ने नमस्कार किया रोका तो उसके सामने भी थोड़ा दो मिनट खड़ा हुआ, उससे भी राजकुशी के समाचार पूछे, दो मिनट उसको दिए, आगे चल करके कोई और अपना सगा संबंधी मिल गया, दो मिनट उससे अच्छी बुरी बातें पूछी, कुशल हो भैया कैसे हो, घर पर सब बाल गोपाल कुशल है, दो मिनट उसको दी, ये अपना व्यवहार हुआ, ये तो हुआ धर्म। और जिस लक्ष्य के लिए घर से चला है वहां तक पहुंचना उसका परम धर्म हो गया। संसार में रहो, संसार के व्यवहार को निभाओ, लेकिन उस परम धर्म का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करने को मत भूलो। ये गुरु का ज्ञान है। संसार में रहना गुनाह नहीं है, जन्म लेना गुनाह नहीं है, व्यवहार को निभाना गलत नहीं है, अपने समाज में भी बैठना, इष्ट मित्रों के पास में भी बैठना, कुशल क्षेम पूछना, सब जगह आना जाना, ये व्यवहारिक धर्म है, लेकिन उसको निभाते हुए परम धर्म भगवान की भक्ति रूपी परम धर्म को भी अपने हृदय में धारण करो, उसको मत भूलो, वह हमारा परम लक्ष्य है। तो सारे ऋषियों ने ये सूत जी महाराज से ये जब प्रश्न किया, निवेदन किया, तो सूत जी महाराज ने उनसे कहा कि हे ऋषियों, अब तुम सावधान होकर कि सुनो, तुमने जो प्रश्न किया है, निवेदन किया है कि गुरुवत दो करके आप हमें ऐसा ज्ञान दो, तो सूत जी ने सूत वाच प्रीति शांत और चित्ते ते ये तो वच को विचारी चो। सूत जी महाराज विचार करके और शौनक आदि ऋषियों से बोले, हे ऋषियो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, धन्य है तुम्हें जो तुमने ऐसे प्रश्न किए, ऐसा मेरे सामने प्रश्न रखा, तुम परम ज्ञानी हो ऋषियो, सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भय नाशनम, जो सारे सिद्धांतों का एक मूल सिद्धांत है, जो सारे भय को दूर करने वाला है, संसार के भय को मुक्त करने वाला, भय से दूर करने वाला, भक्तोर वर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हितकम, जो भक्ति को बढ़ाने वाला, भगवान कृष्ण की भक्ति को दिलाने वाला, प्राप्त कराने वाला, हे ऋषियों, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ कि केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने से ही सारा मोह दूर होगा, संसार का भय मुक्त होगा, कृष्ण संतोष से ही सुख होगा। मैं जानता हूँ कि कलयुग का प्रभाव है, काल रूप सर्प प्रत्येक जीव का पीछा कर रहा है, वह काल रूप सर्प प्रत्येक जीव को डसने के लिए पीछा कर रहा है, जब मौका लगेगा तभी डस ले। तो काल रूपी सर्प का भय इतना व्याप्त है प्रत्येक जीव के लिए, उससे मुक्ति चाहता है प्रत्येक जीव, तो उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या है, श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ कीरेण भासतम, श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जो सारे कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली है, श्रीमद् भागवत की कथा ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। तो ऋषियों के लिए सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के विषय में ज्ञान कराना प्रारंभ किया। अब सूत जी कहते हैं कि भाई जो जिसके विषय में जिसको ज्ञान ना हो उससे मैं प्रेम कैसे करेगा, भाई हम भागवत के विषय में जानते नहीं है, भागवत से क्या फल मिलेगा, भागवत क्या चीज है, भागवत में क्या क्या लिखा है, कौन कौन से गुण है, कौन कौन से उनमें हमको क्या फल मिलेंगे, भागवत के विषय में हमको ज्ञान ही नहीं है तो हम भागवत से मोह कैसे करेंगे, भागवत से लगाव हमारा कैसे होगा। तो सूत जी ने पहले भागवत के विषय में ज्ञान कराया कि भागवत क्या है, पहले आप इसे समझिए, भागवत क्या है पहले इसको आप समझें, उसके बाद में आप भागवत में प्रवेश करो। तो उदाहरण दे दे करके समझाए, बहुत सारे उदाहरण दे दे। सूत जी महाराज ने ऋषियों को कहा कि मुझे टॉकी रूम में जाके बैठा दूंगा,
फिर देखने के लिए बैठा आया, विचार किया मन ने, शरीर विचार करता है, इंद्रिया विचार करती है कि भागवत कथा सुनने जाना चाहिए, लेकिन मन नहीं माना और मन ने इसको मोड़ मोड़ मना शुद्ध विद्यते तस्मात् जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर की पुण्य उदय होने पर भागवत कथा सुनने को मिलती है, एक जन्म के पुण्य उदय होने पर कथा नहीं सुनने को मिलेगी। कई एक ही दिन कुछ दान पुण्य कर लिया तो चलो हमारा उद्धार हो जाएगा। जन्म जन्मांतर भवे पुण्यम, एक ही जन्म नहीं जन्मांतर बहुवचन है, कोई जन्मों की संख्या नहीं है। कई एक दो चार पांच दस जन्मों में पुण्य करने से मिले कथा, जन्मांतर भवे पुण्यम, कितने ही जन्म का पुण्य संचय होने पर भागवत की कथा सुनने को मिलती है। भागवत कथा साधारण बात नहीं है, भागवत कथा तो उन्हीं को मिलेगी जिनका मन निर्मल है, जिनका भाग्य श्रेष्ठ है, जिनका कर्म श्रेष्ठ है, जिनका भाग्य उदय हुआ है। जन्म जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे, तब भागवत सुनने को प्राप्त होती है। इतना जब उन्होंने सूजी महाराज ने ऋषियों को ये सब कुछ बताया कि ऋषियों इसका एक उदाहरण है ना, राजा परीक्षित ने इस कथा को सुना था। जब राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे तो ये कथा तो ऐसी है कि यहाँ मृत्युलोक में तो क्या देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं, देवता भी कथा नहीं सुन सकते प्रभु की कृपा नहीं हो तो। जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी, उस समय देवताओं ने विचार किया कि राजा परीक्षित को तक्षक सर्प के डसने का श्राप लग गया है और वो सर्प डसेगा, राजा परीक्षित की मृत्यु होगी और मृत्यु के भय के कारण गंगा के किनारे पर सुखदेव जी के मुखारविंद से भागवत कथा रूपी अमृत को पान कर रहे हैं। तो देवताओं ने विचार किया कि चलो आज मौका है, मौका है, ऐसा चलते हैं सभी, हमारे पास अमृत का कलश है, अमृत को पीने से आदमी अमर हो जाता है, मरता नहीं है वो अमृत पीने से। तो देवताओं ने विचार किया कि राजा मृत्यु के भय से तो कथा पर सुन रहा है, मरने से डर रहा है, तो इसलिए अमृत ले चलो उनके पास, सुखदेव जी से निवेदन करेंगे, अमृत को उन्हें पिला देंगे और इसके बदले में भागवत रूपी अमृत कथा को हम सुन लेंगे, तो सुना देंगे सुखदेव जी को। ऐसा विचार करके और सारे देवता अमृत का कलश लिया हाथ में और गंगा के किनारे आ गए जहाँ कथा चल रही है। सुखदेव जी ने देखा देवता का समूह है, आत्म कलश है, समझ गए कि देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं। यहाँ अमृत के कलश को लाने का मतलब क्या है, इसको पीने से अमर होता है आदमी, तो ये राजा परीक्षण को पिलाने लाए हैं, इसके बदले में इस भागवत कथा को पीना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सदा कुंभम कृत्वा देवास्तत्र समागम, सदा का अमृत का जो कलश लेकर के देवता वहां आए समागम, शुकम स्वकार्य कुशल हो। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि अरे देवताओं ये अमृत रूपी भागवत कथा तो मैंने राजा परीक्षित के लिए तो इसको प्रकट हुआ है, व्यास जी ने बनाया है और इन्हीं के लिए मैंने जन्म लिया है, राजा परीक्षित को ही कथा सुनाने के लिए तो मैंने जन्म लिया है, हे देवताओं स्वकार्य कुशल हो, तो अपने कार्य में बड़े दक्ष हो, अपने कार्य को करने में बड़े कुशल हो, स्वार्थवश तुम इस अमृत के कलश को लेकर के आए हो, किसके बदले में भागवत की कथा हमें मिल जाए। सुखदेव जी ने उन्हें निराश करके लौटा दिया, हे देवताओं ये अमृत रूपी भागवत कथा तो राजा परीक्षित को ही सुनने को मिलेगी, इस अमृत के कलश को आप अपने
स्वर्गलोक में ले चले गए। देवता भी निराश लौट गए, लेकिन भागवत कथा सुनने को उन्हें नहीं मिली। विचार करिए, जब देवता स्वर्ग से कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक में आ गए और उन्हें भी उनके भाग्य में भी इस कथा को नहीं लिखा था, ये कथा उनको भी सुनने को नहीं मिली। उदाहरण है, जब देवता स्वर्ग से कथा सुनने को आ सकते हैं, उनको भी कथा सुनने को नहीं मिली, तो विचार करें कि उनके भाग्य में नहीं था, उनका पुण्य इतना नहीं था जिसके कारण वो भागवत कथा सुन सके। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम भवे, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने पर भागवत कथा सुनने को मिलती है। देवताओं के विषय में और शुभदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं कि हे देवताओं, धन्य हो तुम। तुलसीदास जी ने स्वार्थ के ऊपर बोला है, सर डर मोनी जन की जहरी, सुर नर मोनी जन की उदाहरण है कि जो भी कोई मोह करता है, प्रेम करता है, वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के करता है। शुभदेव जी ने उन्हें निराश लौटाया तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, ये उदाहरण दिया है तुम्हें कि भागवत कथा कैसे है जो देवताओं को भी सुनने को नहीं मिली। वह कथा आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें, उस कथा के विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, संत लोग की तुला मध्वा तोलियत साधना, सत्य लोक में एक सत्य रूपी तराजू सारे ग्रंथों को और श्रीमद् भागवत को तोलने के लिए बना। एक पल्ले में तो भागवत को रखा और दूसरे पल्ले में सारे पुराण शास्त्र सब ग्रंथों को रखा, लेकिन श्रीमद् भागवत के लघु नन्यान जाता नहीं गौरवेंद्र एकदम कहा, वो सारे पुराण ग्रंथ सभी भागवत के पल्ले को तिल भर भी नहीं उठा सके। श्रीमद् भागवत की महिमा को बता करके, उसका महत्व बता करके, और उस समय सारे देवताओं ने और श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री से अलंकृत किया, श्रीमद् शब्द से अलंकृत करके श्री भागवत महापुराण का नाम श्रीमद् भागवत रखा। पहले ही इसका नाम भागवत महापुराण था, लेकिन जब सारे तराजू पर तोलने पर और इसका जब महत्व देखा तो उन्होंने श्रीमद् से अलंकृत करके श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत का नाम पढ़ दिया। विस्मयम परमयो, तो सारे देवता विस्मय को प्राप्त हुए। अभी उन्होंने पहला उदाहरण दिया राजा परीक्षण की कथा सुनने का, देवताओं को अमृत लेकर के आने का, तो सूत जी महाराज अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। किस भागवत का एक दूसरा उदाहरण सुनिए, काशिक्वं कामिनोचे नार्यका पद्मलोचनम्
बल देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, दूसरा कारण यह है कि एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते अपने वीणा को बजाते हुए यमुना के किनारे पर आए, और यमुना के किनारे पर आकर के उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। कौन सा दृश्य है कि यमुना के किनारे पर एक अबला सुंदर स्त्री युवावस्था में बैठी हुई दोनों पैरों पर दो वृद्धावस्था में अचेत पुरुष बनके जंघाओं पर माथा टिका करके पड़ी हुई वह सुंदर युवा स्त्री उनके शुश्रूषा कर रही है। देखते हुए नारद जी उनके बगल में होकर के जा रहे हैं। नारद जी जब उनके बगल में होकर के जाने लगे तो उस सुंदर स्त्री युवा स्त्री ने नारद जी को देखा और देख करके उनसे निवेदन किया, भवो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु थोड़ी देर के लिए आप रुके। अहम तो पृथ्वी यातो एक रात शरायम चत्वार ऋषियो मला। माजी के चार पुत्र सनक, सनंदन, सतानंद और सनत कुमार चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। उस समय नारद जी वीणा बजाते बजाते आए, जैसे किसी धनवान व्यक्ति का धन चुर गया हो। ऐसी स्थिति में चारों पुत्रों ने नारद जी को देखा और देख कर के पूछा, उन्होंने पूछा कि कथम ब्रह्मांड दीन मुखा कुतश्चित्तो परो भवान। पृथ्वी का भ्रमण करते करते अहम तो पृथ्वी दर्शन किया है। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर इत्यादि सबका दर्शन किया है। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्री रंगम, सेतुबंधनम सब जगह मैंने दर्शन किया, सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन नारद जी का